कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिले से भू माफिया की खबर आती रहती है जिसमें उन पर कार्रवाई की बात भी सामने आती है। यूपी में सीएम योगी का भू माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन भी देखने को मिलता है। पुलिस भी ऐसे माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसती रहती है। लेकिन इसी बीच यूपी के गाजियाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक ऐसे भू माफिया की पहचान हुई है जिसके किस्से उसके इलाके में मशहूर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस ने एक ऐसे भू माफिया का खुलासा किया है जिसकी ना केवल चार बीवियां हैं बल्कि वह सरकारी जमीनों पर भी कब्जे करने का शौकीन रहा है। इलाके में उसके बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं। पुलिस ने उसकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस ने कुर्की से पहले बकायदा ढोल बजवाकर ऐलान किया और फिर उसकी करोड़ों की संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। इस कार्रवाई के बाद भू माफिया महबूब अली को लेकर अब नई चर्चा शुरू हो गई। बता दें कि पुलिस को जांच में पता चला है कि भू माफिया ने अपनी दबंगई दिखाकर करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। जानकारी के मुताबिक जमीन पर कब्जा करने के साथ ही वह बहुत आशिक मिजाज भी है। पुलिस जांच में उसकी चार पत्नियों का खुलासा हुआ है और 12 बच्चों के बारे में भी पता चला है। पुलिस जांच में पता चला है कि भू माफिया महबूब अली के अलावा उसके 5 भाई भी हैं, जिसके बाद पुलिस ने महबूब अली के पूरे परिवार का ब्यौरा खोज निकाला है। पुलिस के मुताबिक भू माफिया ने अब तक करीब 91 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। वहीं गाजियाबाद के लोनी के टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में ही पुलिस ने 26 करोड़ की संपत्ति को सील करने का काम किया है। पुलिस ने इस संबंध में शुरुआती जांच मुरादनगर से शुरू की थी, जहां के इंस्पेक्टर मुकेश सोलंकी ने इस भू माफिया की काली कमाई और अवैध संपत्ति का खुलासा किया। इतना ही नहीं, पुलिस को भू माफिया महबूब अली की सभी पत्नियों, भाइयों और बच्चों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। उसके 5 भाइयों के नाम है अनवर, एहसान, बंधु, शकूर और गफूर, जबकि उसकी पत्नी का नाम शमीम, दूसरी का नाम सगुफ्ता और तीसरी का नाम राज्या है। बताया जा रहा है कि राज्या के नाम पर 360 गज का एक प्लॉट भी लोनी के पावी गांव में है। इसके अलावा पुलिस को पता चला है कि माफिया की चौथी पत्नी पंजाब से है। पुलिस ने चौथी पत्नी के नाम का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने जल्द ही इसका खुलासा करने का भी दावा किया है। पुलिस को उसकी 3 पत्नियों से हुए 12 बच्चों के बारे में भी जानकारी मिली है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। जानकारी के अनुसार भू माफिया केवल 4 बीवियों का ही नहीं बल्कि वह सरकारी जमीनों पर भी कब्जे करने का शौकीन रहा है। वहीं पुलिस के मुताबिक भू माफिया ने अब तक करीब 91 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर रखी थी, जिसमें से 26 करोड़ की संपत्ति को सील करने का काम किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।